लोगों में आमतौर पे ये सोच है कि सिर्फ 10 सहाबा को खुशखबरी मिली जन्नत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, जिन्हें अशराए मुबशरा कहते हैं। मैंने इस ताल्लुक से बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 ही सहाबा को खुशखबरी मिली, ये 10 को उस एक हदीस में मिली जो अशराए मुबशरा है, उन्हें वो एक हदीस में खुशखबरी मिली है जिनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेकर ये 10 सहाबा के ताल्लुक से बताया। अब मैंने आपके सामने ये सवाल रखा था कि बाकी जो आयात और जो अहदीस हमने पढ़े उससे हमें पता चलता है कि और भी कई सहाबा को खुशखबरी मिल चुकी है जन्नत की, तो आप बता सकते हैं कि और कौन से सहाबा को मिली है, बताइए। मिसाल मुहाजिरीन के बारे में आया कि गरीब मुहाजिर साहबी अमीर मुहाजिर साहबा से 500 साल पहले जन्नत जाएंगे, पता चला दोनों जाएंगे, कोई 500 साल पहले जाएगा कोई 500 साल बाद में जाएगा। और कौन सी आपने देखा जिनके ताल्लुक से अल्लाह ताला ने फरमाया रदियल्लाहु अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया, लकद रदियल्लाहु अनिल मोमिनीन, अल्लाह वो मोमिनों से राजी हो गया। तो जो 1500 सहाबा ने जिन्होंने बैत ली, हाँ बैतुर रिद्वान जो हुदैबिया के मौके पर जिन्होंने बैत ली, तो उनके ताल्लुक से अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह उनसे राजी हो गया। इज युबायूनका तहता शजरती, जिन्होंने पेड़ के नीचे आपसे बैत ली, तो अल्लाह राजी हो गया तो उन्हें थोड़ी अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। हाँ तो ये यहाँ पे भी खुशखबरी है क्योंकि अल्लाह राजी हो गया, ये आगे पीछे अंदर बाहर सब कुछ जानते हुए अल्लाह राजी हो गया, तो ये बशारत है, ये खुशखबरी उनके ताल्लुक से। और क्या हमने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि सहाबा के ताल्लुक से आया जो कुरान के अंदर आता है यब तगुना फदल मिनल्लाहि व रिद्वाना, जो बार बार हमने आयतों में देखा यब तगुना फदल मिनल्लाहि व रिद्वाना, ये सहाबा का मकाम है। देखिए सहाबा का मकाम जानना बहुत जरूरी है दीन की बुनियादी अहम समझ के लिए। अगर कोई सहाबा के ताल्लुक से बदजन हो गया ना तो उसके दीन की समझ के ताल्लुक से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि सहाबा ने हम तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें पहुंचाई, उनकी तरफ हम बहुत सी चीजों के अंदर डिपेंड होते हैं।